आज हम बनाएंगे बिना किसी मेहनत का और बिना किसी झंझट मारी के बड़ा आसान सा ब्रेकफास्ट, जिसमें मिलेगा आपको कहीं ना कहीं मैगी का टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस खास रेसिपी के साथ, जिसमें है मैगी का टेस्ट। तो सिंपली हमें एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें हमें ऐड कर देना है थोड़ा सा तेल। तेल की जगह पे आप घी या बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद अपनी क्वांटिटी के हिसाब से एक कटोरी सेवई हमने लिया है, जो कि थी वार्मसिली सेवई। इसे हमें 1 से 2 मिनट तक हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेना है। जब ये इस तरह से रोस्ट हो जाए, इसे हमें साइड में निकाल लेना है और उसी कढ़ाई में हमें फिर से ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच तेल, जीरा, 3 से 4 बारीक कटी हुई मिर्चियाँ। मिर्ची आपका टेस्ट आपको जितना चाहिए तीखा उतना आप ऐड कर लें। फिर इसमें हमने ऐड किया 1 स्लाइसेस में कटा हुआ कैप्सिकम। इसे हल्का सा भून लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 2 बारीक चॉप किए हुए कच्चे आलू, 1 छोटी कटोरी हरे मटर, 1 बारीक कटी हुई टमाटर, थोड़ा सा डालेंगे नमक जिससे कि सारी सब्जियां अच्छे से पक जाएं, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम भून लेंगे और फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 ग्लास पानी और इसे छोड़ देते हैं हम पकने के लिए ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 3 मिनट के बाद यहाँ पे हमने देखा सारा पानी सोक्ड हो चुका है और सारी सब्जियाँ अच्छे से पक गई हैं। सब्जियाँ आप आपके कोई भी चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे रोस्टेड वार्मसिली सेवई। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे एक साथ सारी चीजों को। यहाँ पे रोस्टेड सेवई ऐड करने का एक खास बात है जो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम अच्छे से भून लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा ग्लास पानी। मीडियम साइज का ग्लास लें और उसमें हमें पानी ऐड कर देना है। इतना हमने पानी ऐड किया है। अब इसमें हम डालेंगे ऊपर से 1 पैकेट मैगी मसाला, जिसमें होता है बहुत ही ज़्यादा मैजिक और उसके साथ साथ ही बड़े ही मज़ेदार का सॉस। अब इसे ढक करके मिक्स करके छोड़ देंगे 3 मिनट के लिए पकने के लिए। तो यहाँ यूज़ इसलिए किया है ताकि जब ये अच्छे से पके तो ये काफ़ी खिला खिला रहे। अगर आप डायरेक्ट वार्मसिली बनाते हैं तो ये पूरी तरह से गल जाएगा। अगर आप रोस्टेड यूज़ कर रहे हैं तो ये इस तरह से पुलाव टाइप का और काफ़ी अच्छे से खिला खिला बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद ये काफ़ी खिला खिला सा वार्मसिली उपमा बनकर तैयार है। गार्निश कर लें हरी धनियों के साथ और गर्मा गर्म सर्व करें। मिलते हैं कल एक नए ब्रेकफास्ट और रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।